ट्रिगोनोमेट्री 10th का पार्ट 3 है, तो ये भी बेस है। अभी 5-6 पार्ट तक बेस चलेगा ताकि ट्रिगोनोमेट्री को समझने में आसानी हो, और बेस नहीं पढ़ाने पर प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए बेस तो हर एक चैप्टर में जरूरी होता है। तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में निम्नलिखित को परिभाषित करें, लंब, परपेंडिकुलर, आधार, बेस, कर्ण, हाइपोटेनियस। ये तीनों समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, और तीनों में आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम कर्ण ही बतलाते हैं, कर्ण के लिए ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता है। सी, तो किसी भी समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, हर हाल में होता है। तो मान लो ये समकोण त्रिभुज है, तो चित्र देख करके स्पष्ट है कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, नहीं मालूम है? ये 80 दोनों नहीं, कौन है सिर्फ कोण ए, जिसका एक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री हो, और जब ये 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री की स्थिति में एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा सिर्फ ये नहीं बोलेंगे खड़ी होती है, बल्कि एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, तब दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कर्ण की परिभाषा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले कोण को कर्ण कहते हैं। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, तो यहाँ पर खड़ा होकर के, यहाँ पर खड़ा होकर के देखो तो इसके सामने में ये भुजा है सी बी, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 90 डिग्री के ठीक सामने में ये है। ए बी क्यों नहीं 90 डिग्री के सामने में है बोलो, ए सी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, 90 डिग्री के दाई ओर ए बी भुजा है और 90 डिग्री के बाई ओर ए सी भुजा है, जबकि 90 डिग्री के ठीक सामने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कोण जो है 90 डिग्री, तो इसको सामने में बी सी भुजा या सी बी भुजा ना है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये हो गया कर्ण, तो इसकी परिभाषा हो गई समकोण त्रिभुज। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ये लिखते हैं ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज का चिन्ह बना दो, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब समकोण त्रिभुज के बारे में लिखना हो तो समकोण त्रिभुज में माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो चूंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, तो हर हाल में याद रखना इसको दिखलाएंगे जैसे लिखना है, माना कि ए बी सी एक समकोण, अब त्रिभुज का ऐसे नहीं लिखेंगे त्रिभुज है, बल्कि समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज को ऐसे लिखना, कारण देखो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कहने का अर्थ इस भुजा पर ये सीधी खड़ी है, तो ये कोण 90 होगा, तो समकोण त्रिभुज में इस ढंग का त्रिभुज संकेत के रूप में लिखना है, याद रहेगी बात। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो जैसे यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का ऐसे छापो, समकोण त्रिभुज है ऐसे, समझा? यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा कोण 90 है, ये कोण दिखलाना जरूरी है, तो कोण ए 90 है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है।
और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, इसीलिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बीसी कर्ण कहलाएगा। बोलो, कभी नहीं भूलोगे। मान लो ये है समकोण त्रिभुज, ये है 90 डिग्री ए बी सी, तो कर्ण कौन सा होगा बोलो? इसमें बी सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री के सामने यहाँ पर खड़ा हो जाओ एक बिंदु पर, खड़ा होकर के देखोगे यहाँ पर तो सामने में ये भुजा दिखलाई देगी, है ना? तो कर्ण की तलाश कर लोगे। दूसरी परिभाषा, चूंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, किसी भी सूरत में समकोण त्रिभुज की भुजा, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण होता है। और ये थ्योरम बतलाएंगे, साबित करें कि किसी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो इस त्रिभुज में 90 डिग्री, तीन कोणों का योग कितना होगा? त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होगा। तो ये 90 है, इसका अर्थ है ये और ये मिलाकर के 90 होगा। तो इसको अगर हम मान लेते हैं 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा, तब न 60 है 30, 90 90 180। तो सबसे बड़ी भुजा, इतना फिलहाल याद रखना, ये थ्योरम बतलाएंगे, वैसे बतलाया हुआ है, 9th का ज्योमेट्री का टोटल थ्योरम हम समाप्त कर दिए हैं। तो किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। तो समकोण त्रिभुज में तो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री ही होता है, बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो इसका अर्थ है 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, इसीलिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कारण समझ गया? तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण की इतनी ही, कर्ण के संबंध में इतनी ही बात, परिभाषा इसका समझ गया। अब अगला है, चलो लंब। लंब को जानने से पहले ये समझना होगा, जो समकोण त्रिभुज में अगर सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है, तो बचे हुए दो कोण 90 डिग्री से छोटा होगा कि बड़ा होगा? पहले इस पर सोचो, क्यों होगा छोटा? जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो ये हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब है इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो तीन कोणों का योग 90, तो ए अकेले है 90, तो अल्फा और जोड़ बीटा बराबर 90 होगा। तो अल्फा और जोड़ बीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो दोनों मिलाकर 90 90 180 हुआ, यानी अल्फा और बीटा 90 डिग्री होगा, क्लियर है? ऐसी स्थिति में अल्फा लोगे अगर 1 डिग्री, तो बीटा कितना लेना होगा? 89 डिग्री, तब ना 90 डिग्री। अगर अल्फा लोगे 2 डिग्री, तो बीटा 90 पुराना है 88 डिग्री, 3 डिग्री लेंगे तो ये 87 डिग्री होगा बीटा। इसी तरह मान लो हम ये ले लेते हैं 89 डिग्री, तो अल्फा 89 डिग्री, तो बीटा 1 डिग्री। यानी किसी भी हाल में अल्फा, ये अल्फा जो है इसका मान 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री से पहले तक हो सकता है, 90 डिग्री नहीं होगा। बीटा का मान 89 डिग्री से लेकर के नीचे की ओर 1 डिग्री तक होगा, या ऐसा भी हो सकता है बीटा 1 डिग्री तो अल्फा 89 डिग्री। यानी हर हाल में ध्यान दो, अल्फा
एक डिग्री से 89 डिग्री तक हो सकता है, बीटा भी उल्टा देखो तो 1 डिग्री से 89 डिग्री तक हो सकता है। तब सवाल पैदा होता है 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, तो न्यून कोण कहते हैं। बेस में पढ़ाए हैं जर्नी फ्रॉम पॉइंट टू सर्किल में 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है, न्यून कोण। न्यून मतलब छोटा, और न्यून मतलब छोटा होता है, तो 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और बचे हुए दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, जिसका योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। न्यून कोण का योग 90 डिग्री होता है, होता है ना। तो समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री होता है, एवं दो न्यून कोण होते हैं अर्थात 90 डिग्री से छोटे कोण, कोणों की संख्या दो होती है, यानी दो न्यून कोण होते हैं 90 डिग्री से छोटा, तब न जोड़ करके 90 होगा। तो अब ये बतलाओ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो चलो ये कर्ण हो गया, इसको हम लोग संक्षेप में H लिखेंगे, हाइपोटेनियस, समझा। अब लंब किसको कहेंगे, तो चूंकि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है, तो हरेक दो मतलब दोनों न्यून कोण का अपना अपना लंब होता है। अर्थ ये हुआ, मान लो ये अल्फा है, कोण बी को अल्फा मान लिए, 10 डिग्री 15 डिग्री 18 डिग्री जो भी मान हो, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए, चूंकि न्यून कोण का संख्या दो है, तो किसी न्यून कोण के लिए चाहे कोण अल्फा हो न्यून कोण या बीटा हो, तो समकोण त्रिभुज में किसी भी न्यून कोण के लिए उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को उस न्यून कोण का लंब कहेंगे। ध्यान से सुनो, अगर ये मान करके चले हम लोग ये 20 डिग्री है, और तब ये कितना हो जाएगा, दोनों का योग 90 होना चाहिए, तो 20 तो 90 में से 20 घटाओ ये 70 होगा। बोलो अगर ये पूछा जाए 20 डिग्री कोण के लिए लंब कौन सा है, तो 20 डिग्री के पास यहाँ पर आंख रख दो तो उसके सामने वाली भुजा एसी दिखलाएगा। तो 20 डिग्री कोण के लिए लंब होगा उसके ठीक सामने वाली भुजा एसी, और तब कहेंगे 70 डिग्री जो न्यून कोण है उसके लिए कौन सा लंब होगा, तो 70 डिग्री यहाँ पर तो आंख रख करके देखो तो सामने में ये भुजा ए बी दिखलाई देगी, तो 70 डिग्री के सामने वाली भुजा को 70 डिग्री का लंब कहेंगे, यानी 70 डिग्री के सामने में ए बी भुजा है तो 70 डिग्री के लिए लंब हो गया ए बी, समझा। तो लंब की परिभाषा क्या होगी, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं और दोनों न्यून कोण का अपना अपना लंब होता है ना। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण का, दोनों में से जो लो, मान लो ये लेते हैं, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण का लंब उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं। अगर हम 20 डिग्री ले या कोण बी ले, तो कोण बी के लिए लंब तो यहाँ पर आंख रखोगे तो उसके सामने में एसी दिखलाई देगा, तो कोण बी के लिए 20 डिग्री हो 21 डिग्री हो 60 डिग्री हो इससे मतलब नहीं है, मतलब है कोण बी जो कि न्यून कोण है 90 डिग्री से छोटा है, तो इसके लिए लंब उसके सामने वाली भुजा को कहेंगे। इसी तरह कोण सी के लिए लंब कौन सा होगा, तो सी के पास यहाँ पर आंख रख करके देखो तो उसके सामने वाली भुजा ए बी नजर आएगी, तो न्यून कोण 70 डिग्री या कोण सी, न्यून कोण सी के लिए उसके सामने वाली भुजा ए बी लंब होगी।
समझ गया। तो परिभाषा लिखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए उसके सामने वाली भुजा उस न्यून कोण का लंब कहलाता है। जैसे अब देखो, समकोण त्रिभुज ABC में ए 90 डिग्री है कोण A, तथा जब ये A हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब कोण B और कोण C न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से छोटा कोण। तो न्यून कोण B के लिए कौन सा लंब होगा बोलो, यहाँ न्यून कोण B के लिए लंब, तो यहाँ न्यून कोण, देखो न्यून कोण लिख दिए हैं इसलिए कोण को ऐसे नहीं घेरेंगे, ये छोटी छोटी बात को याद रखना है। तो यहाँ न्यून कोण लिख भी सकते हो, यहाँ न्यून कोण B के लिए तो ऐसे भी दे सकते हो, इसका अर्थ हुआ यहाँ न्यून कोण कोण B के लिए, यानी इस B के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा AC होगा, तथा न्यून कोण C के लिए, तथा न्यून कोण C है दूसरा न्यून कोण, तो न्यून कोण C के लिए लंब कौन सा होगा, C के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा, तो C के सामने में कौन सी भुजा है, तो C बिंदु के पास खड़ा हो जाओ, ध्यान से देखो तो AB है, तो न्यून कोण C के लिए उसके सामने वाली भुजा AB लंब होगा। तो बोलो तो लंब को समझा, कोई शंका नहीं ना। यहाँ पर PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P हो गया 90 डिग्री, तो दो न्यून कोण कौन सा हो गया, कोण Q और कोण R न्यून कोण है। अगर कोई पूछे जो समकोण त्रिभुज में कितने लंब होते हैं तो इसका क्या आंसर होगा बोलो, चूंकि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं और हरेक न्यून कोण के सामने वाली भुजा उस न्यून कोण का लंब कहलाता है, तो चूंकि दो न्यून कोण होते हैं इसीलिए दो लंब भी होते हैं। ठीक उसी तरह अगर तू मान लो 90 डिग्री के सामने ये वाला भुजा कर्ण हुआ, तो कोण Q के लिए लंब हो गया कौन सा, ये हुआ उसके सामने वाली भुजा, ये कहलाएगा लंब, कोण Q के लिए लंब कहलाएगा, न कि कोण R के लिए कहलाएगा। तब सवाल पैदा होता है, जो जिस तरह समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अपना अपना लंब होता है, ठीक उसी तरह समकोण त्रिभुज में लंब होता है तो न्यून कोण का लंब होता है ना, तो उसी तरह किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का अपना लंब होता है और अपना आधार होता है। देखो ये तबाह करता है आगे, इसीलिए अच्छा से समझ लो, अगर न्यून कोण Q के लिए ये लंब हुआ तो कहेगा जो आधार कौन सा है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, दोनों न्यून कोण का अपना लंब होता है, इसी तरह दोनों न्यून कोण का अपना आधार भी होता है। जा बात को अगर हम लोग कहेंगे कोण Q के लिए कौन सा लंब है, तो यहाँ कह सकते हैं ना कोण Q के लिए लंब PR होगा। तो कोण Q के लिए लंब PR हुआ, तो कर्ण को छोड़कर बचा हुआ दूसरा भुजा आधार कहलाएगा कोण Q का, यानी कर्ण पर कभी नहीं जाना है, लंब और आधार की चर्चा में कोण Q का अपना लंब होगा तो अपना आधार भी होगा। तो अपना लंब हो गया Q के लिए सामने वाली भुजा, तो आधार कौन सा होगा, तो कर्ण को छोड़कर बची हुई भुजा ये है ना, तो ये हो जाएगा कोण Q के लिए आधार, यानी कोण Q के लिए आधार PQ और R के लिए
और फिर इसी तरह कोण आर के लिए लंब क्या होगा? लंब होगा पी क्यू। तो कोण आर के लिए लंब, तो आर के यहाँ पर खड़ा होकर के देखो, इसके सामने में पी क्यू है, तो पी क्यू लंब हो गया। तो आधार कौन सा होगा? तो कर्ण को हमेशा साइड करके चलो, कर्ण छोड़कर बची हुई ये भुजा कोण आर के लिए आधार होगा। समझ रहा है? तथा कोण आर के लिए आधार आरपी बोलो या पीआर बोलो, बात बराबर है ना? तो अब बोलो आधार के लिए हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी भी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, दोनों का अपना अपना आधार होता है, होता है ना? तो कर्ण को छोड़कर किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण का आधार लंब, उस कोण का लंब को छोड़कर एवं कर्ण को छोड़कर बची हुई भुजा कहलाती है आधार। कर्ण तो फिक्स है जो 90 डिग्री के सामने वाला ही होगा और कोई दूसरा नहीं होगा, बदलता क्या है? तो लंब और आधार, हर एक न्यून कोण का अपना लंब होता है और अपना आधार होता है। जिस न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा तो बची हुई भुजा आधार होगा। कर्ण को छोड़ देना है, कर्ण को छोड़कर तो आधार और लंब को पकड़ लोगे पहचान में। देखो आधार के बारे में लिखे हैं, किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, बात सही है, और हर एक न्यून कोण का अपना अपना लंब एवं आधार होता है, या चलो अपना अपना लंब होता है। अतः किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का आधार, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का आधार उस न्यून कोण के लंब एवं समकोण त्रिभुज के कर्ण को छोड़कर तीसरी भुजा आधार कहलाती है। इसको समझा ठीक से? जैसे जब ये आधार होगा तो किसका आधार होगा? तो न्यून कोण का आधार होगा। तो जिस न्यून कोण का आधार होगा तो उस न्यून कोण का लंब भी होगा। तो किसी भी न्यून कोण का आधार पता करना हो तो उसके सामने वाली भुजा लंब ही हो गई, अब फिर 90 डिग्री के सामने वाला आधार हो गया, सॉरी कर्ण हो गया, तो दो भुजा इसी में गायब हुआ लंबा कर्ण के रूप में, तो बची हुई तीसरी भुजा उस न्यून कोण का आधार कहलाएगा। तो जैसे मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है MNO, OMN एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण M है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा इसको P मान लेते हैं, वो भी मान सकते हैं PMN या MPN कहने में सुविधा होती है। तो ये कोण P और कोण N क्या हो गया बोलो? न्यून कोण हुआ। तो कोण P का आधार खोजना है, तो 90 डिग्री के सामने में कर्ण होता है, फिक्स है, ये नहीं बदलने वाला चीज है, कर्ण बदलता है आधार और लंब न्यून कोण की स्थिति के अनुसार। अगर हम लोग पी न्यून कोण का आधार खोजेंगे तो कर्ण को तो सबसे पहले छांटो, और उसके पी के सामने में ये सामने वाली भुजा एम एन तो लंब हो गया, तो एक भुजा ये छट गया कर्ण के रूप में, ये हो गया कोण पी के लिए लंब, तो तीसरी भुजा पहली कर्ण दूसरी लंब, तो ये तीसरी भुजा बच गई, तो यही भुजा कोण न्यून कोण पी के लिए आधार कहलाएगा। समझ रहा है? अगर हम लोग ये बात करें जो कोण एन ये न्यून कोण है, इसके लिए कौन सा लंब और आधार होगा या सिर्फ आधार होगा, तो ऐसे ब्रेन लगाना, ये कर्ण महाराज को हमेशा छांट देना है। तो कोण एन के लिए आधार, तो कोण एन के सामने में यहाँ खड़ा हो जाओ तो सामने वाली भुजा तो
लंब होगी, ये कोण एन के लिए ये हो गया लंब, तो एक न भुजा बच रहा है अब, ये तो करने है, तो इसका मतलब यही भुजा एन एम कोण एन के लिए आधार कहलाएगा। अब इस चित्र पर ध्यान दो, यहाँ आर पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण पी है 90 डिग्री, तो बचा हुआ कोण आर और कोण क्यू कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। तो यहाँ समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में, आर पी क्यू में न्यून कोण आर के लिए, ये न्यून कोण आर के लिए आधार कौन सा होगा, तो तुरंत दिमाग में लो, अरे तो इस सामने वाला तो लंब हो जाएगा, न्यून कोण आर के लिए ये कर्ण है, तो निश्चित तौर पर आर पी ही आधार होगा। नहीं समझना तो बोलना। फिर न्यून कोण क्यू के लिए, क्यू के लिए तुरंत खोजो आधार कौन सा होगा, तो यहाँ पर खड़ा हो जाओ तो सामने वाला तो लंब हो गया, आई कर्ण है तो इसका मतलब क्यू पी ही आधार होगा। तो अच्छी तरह समझ गया, अगले पार्ट में लंब आधार पर और चर्चा करेंगे, चित्र एक से अधिक रहेगा समकोण त्रिभुज का।